देश की महिला स्वसहायता समूहों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और उनकी उद्यमशील क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से IIT भिलाई द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई। मार्केट प्लेस साक्षरता पर आयोजित इस दो दिवसीय कार्यशाला में महिला स्वसहायता समूहों को किसी भी उत्पाद की खरीदी बिक्री से जुड़े निर्णय लेने की क्षमता से संबंधित जानकारी दी गई। कार्यशाला में राज्य की करीब 75 महिला स्वसहायता समूहों की महिलाएं शामिल हुई। समापन कार्यक्रम में विधायक डोमनलाल कोशेरवाड़ा, पद्मश्री फूलबासनबाई और IIT भिलाई के डायरेक्टर राज्य प्रकाश ने बाजार साक्षरता विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। मीडिया से बात करते हुए IIT भिलाई के डायरेक्टर श्री प्रकाश ने बताया कि महिलाओं के बनाए उत्पादों की बाजार में सफलतापूर्वक बिक्री के प्रयासों को लेकर यह कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह की महिलाओं को बुलाया था, जो छत्तीसगढ़ में जगह जगह से आए थे। विशेषकर IIT के आसपास के जिलों से वो आए थे। इस तरह की कुल 100 महिला ग्रुपों को यहाँ बुला करके उनको साक्षरता दी गई। उनके प्रोडक्ट्स को समझा गया। प्रोडक्ट्स को के बेस्ड पर हम लोगों ने ग्रुप बनाए हैं, जैसे कि जो साबुन पे कार्य कर रहे हैं, जो लोग कुछ खाद्य पदार्थ पे, पापड़ और अचार पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग ड्रोन से खेतीबाड़ी का निरीक्षण कर रहे हैं, कुछ महिलाएं अपने यहाँ सिलाई या बुनाई का या कुछ आर्ट्स का काम करते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बेस्ड ग्रुप बना करके उन महिलाओं का समूह बनाया गया है। उनकी समस्याओं को समझा गया है और फिर उनको सिखाया गया दो दिवसीय कार्यशाला में कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से मार्केट तक ले जा सकते। वहीं पद्मश्री फूलबासनबाई ने कहा कि महिला समूह द्वारा बनाए जाने वाले केमिकल मुक्त उत्पादों का एक बड़ा मार्केट है, जिससे महिलाएं स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी। मैं भी हूँ IIT में और मोर भी यहाँ प्रस्ताव लगातार चले थे कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के होए के नाते मैं यही सोची कि महिला मन यहाँ से काफी लाभ ले सके। और यहाँ के जो हमारे डायरेक्टर सर जी हैं, प्रभात सर जी हैं, और यहाँ के हर एक जो कर्मचारी जो स्वयं सहायता समूह लगातार लीड कर रहे थे, तो एकड़ से IIT में एक ऐसे बाजार तैयार करेंगे जहाँ हमला ऑर्गेनिक चावल, दाल और हल्दी, धनिया, मिर्ची, अचार, बड़ी, पापड़, जो भी जरूरत के सामान है, जो केमिकल मुक्त हो, जिनमें आसानी से हम लोग बाहर जाते तो वहाँ खरीदना पड़ते और महंगी दाम में लेते हैं, तो यहाँ महिला मतलब ट्रेनिंग दे के बाद में यहाँ हमारे एक बाजार रही और वो बाजार में कोई भी आके यहाँ सामान ले सकते, तो एक बहुत बड़े मार्केट महिला स्वयं सहायता समूह IIT के द्वारा मिलना है। विधायक डोमनलाल ने कहा कि इस कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए राज्य के दूर दूर के इलाकों से महिलाएं पहुंची थी। क्षेत्रों से, जैसे मेरे विधानसभा आयवारा से भी, धमतरी से, कोंडा गांव से, राजनांद गांव से, दूर अंचल से भी लोग, हमारी बहनें आई। और बेरोजगार जो स्थिति है उसको समझने का कोशिश की, प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में सिलाई मशीन है, ब्यूटी पार्लर है, मशरूम का खेती कैसे करना है, इत्यादि विषयों को लेकर यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया है। कार्यशाला में भाग लेने पहुंची महिलाओं ने कहा कि इस कार्यक्रम में उन्हें काफी कुछ नया सीखने को मिला। दो दिवसीय ट्रेनिंग में हम लोगों को सिखाया गया कि जो हम बिजनेस करते हैं, पहले करते हैं अभी, फिर उसके बारे में बताया है कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाकर हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट और हमारे आर्थिक स्थिति को और कैसे सुधारा जाए, इस तरीके बिजनेस के जानकारी दी है। कार्यशाला में प्रदेश भर से आई महिला स्वसहायता समूहों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।